बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज जो है मेरी वीडियो, मैंने देखा मेरी रंगून क्रीपर फुल ऑफ ब्लूमिंग, यानी कि फुल उस पर फ्लावर से फुल हुई हुई है, आप लोग देखें। और इसमें ऊपर तक जो है ये फ्लावर्स के जो बंच आए हुए हैं, जो ब्लूम होंगे इंशाल्लाह, वो भी मैं आपसे साथ साथ ही शेयर करूँगी इस वीडियो में। और ये अभी जो है इसकी सारी ब्लूमिंग दिखा रही हूँ। ये इसने तकरीबन थर्ड टाइम जो है ब्लूमिंग दे दी है। बस टाइम मुझे नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से मैं इसकी कटिंग नहीं कर सकी। ये काफ़ी फैली हुई है और सही तरीके से मेंटेन नहीं मैं इसको कर सकी, लेकिन बस ठीक है। लेकिन फ्लावरिंग इसकी फुल है और ज़बरदस्त है। कर्टन का मैंने आपसे ज़िक्र किया था, जो ऊपर मैंने ग्रीन नेट लगाई हुई है वो थोड़ी दीवार से हट के लगाई है, ताकि इसके ऊपर फुल धूप आ सके। लेकिन उसके बावजूद मुझे फ्रेंड्स, इसके जो फ्लावर्स का कलर है ना, वो थोड़ा लाइट है। और अब हम आ जाते हैं अपने अडेनियम पे। ये मेरे अडेनियम पे पहला बंच आया है। बंच तो पहले भी आया था, लेकिन वो साथ वालों की नेबर्स की मुर्गियाँ आके खा गई हैं। और फिर मुझे थोड़ा सा मुझे दुख हुआ, लेकिन जब मैंने ये दोबारा बंच देखा एक और आ रहा शाख पे, फिर मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ। और ये मैं अब डेली का जो है अपडेट दूंगी आपको इसकी ब्लूमिंग की। ये सेकंड डे है जो नेक्स्ट डे, और ये लगा रहने दो है, काफ़ी दिन लेता है इसका जो बंच होता है वो भी बड़ा होने में और फूल बनकर खिलने में काफ़ी टाइम लेता है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम जो है मेरे पास बंच है। इससे पहले कि मैंने जो अपडेट आपको दी थी अडेनियम की, उसके अंदर तो जो बंच आए थे उसमें फ्लावरिंग हुई नहीं थी, एक या दो मुश्किल से फ्लावर ब्लूम हो सके थे। तो आपकी बार उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सारे जो हैं ब्लूम होंगे। ये नेक्स्ट डे है, तकरीबन 4-5 दिन के बाद की, जब इसमें ब्लूमिंग और ज़्यादा हो गई थी रंगून क्रीपर में भी, आप लोग देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रीनरी इसी की वजह से है मेरी रूफ पर, और ये मुझे अच्छी भी बड़ी लगती है। एक और भी थी जो लैडर पे थी, वो भी आप लोगों ने देखी है, लेकिन वो मैंने जो है दे दी है, क्योंकि रूफ पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो चुके हैं, तो कुछ प्लांट्स मैंने कम भी कर दी हैं, लेकिन फिर भी अभी तरतीब नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगी ये भी जल्दी। अभी इसकी जो है बर्ड्स, ये आज का दिन है, देखें इसमें थोड़ी सी बड़ी हुई है, लेकिन ये फिर भी अभी काफ़ी टाइम लेगी, इतनी जल्दी इसने नहीं होना। आप इन्जॉय करें और देखते जाएं कि ये टाइम टू टाइम ब्लूम हो कि ये भी, और रंगून क्रीपर भी, उसमें भी फुल बंचेस बने हुए हैं बर्ड्स के और इसमें भी, और देखते हैं। आई होप सो कि अब की बार ये फुल ब्लूम करें। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने अपने अडेनियम में पानी मैं डेली देती हूँ। सिर्फ ऐसा होता है कि जिस दिन मेरा स्किप हो रहा था, अब मैंने सुन रखा है कि जब इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है तो इसे डेली पानी की ज़रूरत होती है, मॉइस्चर की, इतना हो कि मॉइस्चर होना चाहिए। माशाल्लाह ये इसकी ब्लूमिंग हो गई है, कलर भी इसका बड़ा ज़बरदस्त था, फूल अभी और खिलेगा, ये छोटा है। जिन्होंने इसको खाया था इसके उसको, और ये वो मेरे नेबर्स के सामने वालों के मुर्गा मुर्गियाँ भी ये रूफ पर है, और इन्होंने जो है ना सारी तबाही अभी तक मचा रहे हैं। आ जाते हैं और टाप कर छत, और नीचे नहीं उतरते, ऊपर ही ऊपर रहते हैं, क्योंकि मेरे पास डॉग है, वो इनका खाना ख़राब कर सकता है, इसलिए ये भी बड़े तेज़ हैं।
अभी तक बाकी नहीं ब्लूम हुए, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। और जैसे कि मुझे उम्मीद थी कि ये ब्लूम होंगे और अब की बार कलियाँ गिरेंगी नहीं। पानी का ही इशू था, मैं तो डेली पानी दे रही हूँ और बीच में एक दिन का स्किप हो जाता है अगर मैं रूफ पर नहीं आती हूँ। ये जो है ब्लूमिंग के थर्ड डे का टाइम है, ये काफ़ी जंगल बन गया है मेरा इस क्यारी से नीचे। क्यारी के अंदर मैंने पॉट रखा हुआ है इसका। आज ये माशाल्लाह चार हो गई हैं ब्लूम बर्ड्स इसकी, एक गिर भी चुकी है। फ्लावर तो मौजूद हैं, इसमें मेल भी होगा फीमेल भी होगी, देखेंगे कि इसके ऊपर सीड पॉट बनता है कि नहीं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है इंशाल्लाह। जब बंच देखने को मिल गया है तो फिर वो भी देखने को मिलेगा, सीड पॉट भी इंशाल्लाह। ये जो ख़राब किया था उन्होंने उस पर भी दो साइड से स्प्राउट हो गया। बाकी तो मैं तो बहुत खुश थी इसके लिए कि ये चलें ब्लूम हुए, नहीं तो अडेनियम मेरे पास है फ्लावरिंग नहीं करते। ये फर्स्ट है जिसने फ्लावरिंग की है, पहले भी की एक एक फूल आया था इस पर, और अब की बार माशाल्लाह इसके बंचेस आए थे लेकिन वो दो साइड से तो खाए गए हैं ना। ये बच गया था और शुक्र ही है कि बच गया। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा।